जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट यानी कि SAT ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, आपको ये लिंक ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं, आपको इन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। तो यहां पर आने पर आपको क्या करना है, आपको रजिस्टर योरसेल्फ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। यह आपकी वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए क्योंकि आपको इसी के माध्यम से मेल मैसेज या फिर जो भी आपके अपडेट है वो आपको सेंड किए जाएंगे। फिर यहां पर दोस्तों आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और ये जो आपका पासवर्ड है इसमें इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। जो भी पासवर्ड आपने यहां पर क्रिएट किया है इसके वो आपको दोबारा से डाल करके कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट यानी कि आपको यहां पर अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। अगर मिडिल नेम है तो यहां पर इसके इस सेक्शन के अंदर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर दोस्तों आपको यहां पर अपना लास्ट नेम एंटर करना है और ये एंटर करने के बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। पहले डे सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ और इसके बाद में आपका जो भी ईयर है वो। यहाँ पर दोस्तों आप जब DOB फिल कर रहे होगे तो आपके मन में सवाल ये आया होगा कि इसमें कौन लोग किस एज के साथ एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, तो ये जानकारी आप यहाँ से देख लीजिए। सबसे पहले तो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर दी गई है, एप्लीकेशन फीस दी गई है। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे क्लास वाइज कि कौन सी क्लास के कैंडिडेट किस एज तक इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्लास 6 की जो एज लिमिट है वो 10 से 12 साल देखने को मिल पा रही है। क्लास 9 की जो एज लिमिट है वो आपकी 13 से 15 साल के बीच है और क्लास 11th मैथ की जो आपकी मैक्स एज लिमिट है ये आपकी 18 साल है। और जो आपके अन्य डिसिप्लिन जैसे कि बायोलॉजी, कॉमर्स या फिर आर्ट्स है इसकी मैक्सिमम एज लिमिट भी आप यहां पर देख सकते हो। और साथ ही आप यहां पर ये भी देख सकते हो कि बॉयज के लिए कितनी सीट्स है और गर्ल्स के लिए कितनी सीट है। तो ये जानकारी आपको यहां से क्लियर हो गई होगी। अब चलिए इसके प्रोसेस पर आते हैं। आपका जो भी जेंडर है यानी कि सेक्स है वो आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। फादर नेम आपका क्या हो, यहां पर आपको आपकी आईडी के अकॉर्डिंग या फिर जो भी आपकी मार्कशीट है 9th की या फिर 5th की वो उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर फिलअप करना है। फिर दोस्तों यहां पर आपको मदर नेम यानी कि आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। इसको एंटर करने के बाद जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहां पर फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपको यहां पर मोबाइल नंबर ऑफ द एप्लीकेंट यानी कि खुद का नंबर या फिर आप अपने गार्जियन का नंबर भी यहां पर दे सकते हैं। ये सब जानकारी जो कि आपने यहां पर फिलअप की है इनको अच्छे से एक बार चेक कर लेना है और चेक करने के बाद नीचे आकर के आपको साइनअप के ऊपर क्लिक करना है। साइनअप के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपके सामने रजिस्ट्रेशन की जानकारी आ जाएगी जहां पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को आप कंफर्म कर सकते हो। और यहां पर आपको अगर लगता है कि कोई जानकारी गलत है, आप उसके अंदर चेंजेस करना चाहते हैं तो आप चेंज के ऊपर क्लिक करके चेंज कर लीजिए, नहीं तो आपको सिंपली नीचे आकर के कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहां पर कंफर्म के ऊपर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो यहां पर आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि आपको आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल सेंड की गई है जहां पर आपको एक एक्टिवेशन लिंक दिया गया होगा। मैंने यहां से वो ईमेल ओपन कर लिया है। आपके सामने कुछ इस प्रकार से ईमेल आएगी जिसका सब्जेक्ट होगा एक्टिवेट योर रजिस्ट्रेशन फॉर BHU SET। यहां पर आपका जो ईमेल आईडी है एंड जो पासवर्ड आपने चूज किया तो पासवर्ड देखने को मिलेगा और योर एक्टिवेशन कोड भी यहां पर आपको दिया गया है। नीचे की तरफ आपको यहां पर एक लिंक दिया है 2 पॉइंट करके, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। यहां पर जो आपको एक्टिवेशन कोड दिया गया, ये एक्टिवेशन कोड आपको यहां पर एंटर करना है और एंटर करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको सिंपली यहां पर रजिस्टर योर सेल्फ के नीचे साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो ईमेल आईडी आपने यहां पर डाली थी अपना रजिस्ट्रेशन करते वक्त, ये ईमेल आईडी आपको यहां पर एंटर करनी है। इसको एंटर करने के बाद जो पासवर्ड आपने यहां पर चूज किया था वही पासवर्ड आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां पर साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। अब आपको एक एक करके इन सभी जानकारी को फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपके सामने आ जाता है सिलेक्ट कोर्स यानी कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां से SET चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद जो भी आपका कोर्स नेम, बेसिकली कि आपको कौन सी क्लास के लिए अप्लाई करना है, 6th या फिर 9th या फिर 11th में आपके सामने विकल्प है मैथ, बायोलॉजी,
बायोलॉजी, आर्ट्स एंड कॉमर्स, तो ये आपको अपनी जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग चूज करना होगा। मैं यहाँ पर 11th मैथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ से ये चूज करना है कि आप इसमें एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। जैसे कि कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो कि अगर आपकी ये कैटेगरी है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, एससी एंड एसटी है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है कि आई कन्फर्म्ड माई एलिजिबिलिटी फॉर द अबो कोर्स, और आपको एड कोर्स के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद एप्लीकेंट डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। आपका जेंडर यहाँ से आपको देखने को मिल पा रहा है। आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। बीएचयू एम्प्लॉई वार्ड अगर आप इससे बिलोंग करते हो तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। आर यू फिजिकली चैलेंज्ड, क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या फिर उससे ज्यादा है। अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। नो करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपका नेम पहले से फिलअप है क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय फिल कर लिया था। फादर नेम मदर नेम भी यहाँ पर दिया गया है, बट आप इसको अभी भी एडिट कर सकते हैं। नेम को आप एडिट नहीं कर सकते। डीओ भी आपके यहाँ पर दी गई है। इसके बाद नीचे आता है परमानेंट एड्रेस। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर अपनी आईडी के अकॉर्डिंग फिलअप कर लेना है। अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आपको एड्रेस लाइन 2 और 3 का इस्तेमाल भी कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ से आपकी जो भी स्टेट है वो स्टेट यहाँ से आपको चूज करनी होगी। स्टेट चूज करने के बाद लैंडलाइन नंबर, अगर आपके पास कोई लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद आपका जो भी पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड है वो एंटर करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको अपना एंटर कर देना है। नीचे कम्युनिकेशन एड्रेस और कॉपी दी परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट यानी कि कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। इसको टिक करने पर आपको ये एड्रेस दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आपको नीचे आकर के इन सभी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने फोटो सिग्नेचर की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की तरफ पेरेंट यानी कि जो आपके गार्जियन है उनका सिग्नेचर भी देना होगा। इसमें चाहे आप अपने माता पिता भाई बहन किसी का भी सिग्नेचर दे सकते हैं क्योंकि वो आपकी गार्जियन या फिर पेरेंट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली पहले फोटो को अपलोड करना है। जो आपका फोटो है इसका जो डायमेंशन है आपको 4.5 सेंटीमीटर × 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फोटो का साइज 100 KB से कम ही होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर भी आपने इस इमेज इस साइज के अंदर रह करके अपने फोटो को क्रिएट किया है वो आपको अपलोड करना है। मैं आपको एक डेमो इमेज यहां पर अपलोड करके दिखाता हूं क्योंकि इस वीडियो को मैं डेमो के रूप में बना रहा हूं। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और यहां से ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद आप देखोगे कि यहां पर आपका इनवैलिड फोटो साइज यानी कि फोटो साइज सही नहीं है। तो इसका मतलब यह कि आपको दिए गए साइज के अंदर रह करके ही अपने फोटो को यहां पर अपलोड करना होगा। तो चलिए हम यहां पर एक ऐसा ही फोटो सिलेक्ट करके उसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपका फोटो यहां पर जो उसका नेम है वो आ जाएगा। फिर आपको अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पर प्रोसेसिंग होगी और जो आपका फोटो है वो अपलोड हो जाएगा और आप यहां पर देख भी सकते हो। फिर आप यहां पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर आपका सिग्नेचर है उस सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। तो यहां पर मैं आपको एक सिग्नेचर अपलोड करके दिखाता हूं और इसको ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद आपको अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इसका जो प्रीव्यू है वो भी आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद नीचे आता है आपका पेरेंट का सिग्नेचर। तो आपके जो भी पेरेंट है उसका सिग्नेचर आप एक ब्लैंक पेज पर करा करके उसको स्कैन करके यहाँ पर सेम वे में अपलोड कर दीजिए जैसा कि आपने खुद का सिग्नेचर अपलोड किया है। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से अपलोड गार्जियन सिग्नेचर के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो आपका सिग्नेचर है ये भी यहाँ पर आपका अपलोड हो जाएगा। आपको यहाँ पर नीचे की तरफ बोला जा रहा है नोट करके कि यू कैन प्रोसीड फॉरवर्ड ओनली आफ्टर अपलोडिंग योर डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ, यानी कि ये डॉक्यूमेंट या फिर ये आपके जो फोटोग्राफ है इसको अपलोड करने के बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये कंपलसरी है। इसको करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पर दोस्तों आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, यानी कि जो आपने जानकारी यहां पर भरी है इन जानकारी में अगर आपको कुछ लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो आप उसको अभी भी एडिट कर सकते हैं, बट इसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। तो पूरी तरीके से श्योर होकर कि हाँ मेरे द्वारा भरी गई जानकारी सही है तब आपको नीचे आना है और आई कन्फर्म्ड दी अबो यहां पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको कंफर्म एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो आपके फॉर्म का प्रीव्यू है वो आपको एक बार फिर से यहाँ से कंफर्म कर लेना है, और कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर बैक टू माय एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। बैक टू माय एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर दी गई है, कोर्स नेम यहाँ पर दिया गया है, और आपके एप्लीकेशन का स्टेटस भी आप देख सकते हो जो कि कन्फर्म है। आप यहाँ पर एडिट व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, बेसिकली आपको अभी इसमें अपनी फीस पे करनी है, तो
फीस पे करने के लिए आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपके सामने आ चुकी है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। आपको यहाँ पर सिलेक्ट टू पे के ऊपर क्लिक करके टिक करना है, और टिक करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो आप देख सकते हो। जनरल ओबीसी एनसीएल के लिए 600 रुपये है, SC ST के लिए 300 रुपये है, और जो आपका अलग से एक एप्लीकेशन चार्ज है वो आप यहाँ पर बेसिकली देख पा रहे हो। तो इसको आपको यहाँ पर कंटिन्यू फॉर ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। उसके पहले यहाँ पर आपकी फीस का एक रिव्यू है, आप यहाँ से जानकारी अभी भी इसको वेरीफाई कर सकते हो। फिर आपको पे नाउ एंड सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फाइनली पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, जहाँ पर दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आपको विकल्प काफी सारे दिए गए, जैसे कि UPI क्रेडिट और नेट बैंकिंग वॉलेट एंड मोर क्रेडिट कार्ड। तो मैं यहाँ पर आपको प्रिफेयर करूंगा कि आप नेट बैंकिंग के माध्यम से फीस को जमा करें, क्योंकि इसके माध्यम से फीस को जमा करने पर बहुत ही कम चांसेस होते हैं किसी एरर के आने के, इसलिए आप नेट बैंकिंग के माध्यम से फीस को जमा कर लीजिए। और जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आपको 5 से 10 सेकंड के बीच इसी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट कर जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था, और इसके बाद आप दोस्तों अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। एंड इस प्रकार से दोस्तों आप BHU SET ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाओगे। जो मैंने इस वीडियो के अंदर प्रोसेस बताई है, मैंने आपको मैथ में कैसे अप्लाई करना है 11th क्लास के लिए उसका बताया। अगर आप चाहते कि मैं आपके लिए एक अलग से 9th क्लास का फॉर्म कैसे भरना है या फिर 6th क्लास का फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में वीडियो बनाऊं, वैसे उसमें कुछ जानकारी अलग है नहीं, सेम जानकारी आपको भरनी होगी, तो फिर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट को कंसिडर करके उसके बारे में वीडियो बना पाऊं। एंड इस वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।